आप भारत में 5 स्पिनर्स तो रखे हैं, अब आप क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं? बिल्कुल, अच्छा अगर हम मिडिल ऑर्डर के जिसमें आपने बात की, हम नेशनल टी20 की बात कर लें, तो इसमें भी हम देखते हैं कि कोई मैचेस जो है वो मयारी नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसी ही तैयारी रही, ऐसी ही टीम रही, तो हम टी20 वर्ल्ड कप में तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमें देखें, इस सारे बुरे टाइम में हमें एक सायर ऑफ होप भी मिली है, हमें घर सीधा करना है। गायकवाड़ की बात मैं इसलिए करता हूँ, आउट ऑफ ऑल द प्लेयर्स दैट इंडियन प्लेयर्स प्लेइंग इन द आईपीएल, जो यंगस्टर्स हैं, कि उसके जितना सेफ कोई नहीं खेला। शिवम दुबे ने 64 रन की जो इनिंग खेली है, उसने 42 गेंदों में नॉट आउट मैच फिनिश किया है। ये एक और क्वालिटी है कि आप किस तरह मैच फिनिश कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब आप देखें, जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जिस तरीके से हमारी इंडिया टीम का परफॉर्मेंस अच्छा होता जा रहा है और हमारे बीसीसीआई की पावर बढ़ती जा रही है, हमारे देश का नाम होता जा रहा है, उतनी ही तेजी से हमारे हेटर्स हमको ट्रोल करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे पास में एक खानदानी दुश्मन है, हमारे पास में हमारी पूर्वजों से चला आ रहा है वो। चार पांच पीढ़ियां गुजर चुकी है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो हमें ट्रोलिंग, जो दुश्मनी हमें गिफ्ट में दी थी, हम उसको पूरी तरीके से निभा रहे हैं, क्योंकि हम अपने पूर्वजों का मान रखेंगे। सही बात है। तो भारत की बढ़ती हुई साख से पाकिस्तान कैसे 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 खुश होने? पाकिस्तान के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान को ये लगता है कि हमारी टीम अच्छा नहीं खेल रही है, वो इनको चलेगा, ठीक है चलेगा, लेकिन भारत की टीम, भारत इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों कर रहा है? वो उनकी दिन बर दिन ग्रोथ रेट क्यों बढ़ती जा रही है? प्रॉब्लम ये है। तो आज आपका भाई आज क्रिकेट की बात करने वाला है। आज किसी प्रकार की कोई रोस्टिंग नहीं है, आज हम जले पे नमक छिड़केंगे, सिर्फ इंजॉय करेंगे। इस शख्स को आप देख रहे हैं, ये हमेशा भारत के खिलाफ अनाप शनाप बकता रहता है, तो आज इसने थोड़ी सी भारत की तारीफ की है और हमें तो तारीफ को तारीफ सुनना पसंद है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज वर्ल्ड टी20 सर पर है, हम रोज बात कर रहे हैं हमारी टीम में तब्दीलियां होंगी, हमारी टीम में तब्दीलियां होंगी, इवन के पाकिस्तान की नेशनल टीम का ये हाल कर दिया है। तो मकफाते अमल है जिंदगी। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, पाकिस्तान की यही टी20 टीम नंबर वन टीम थी और मार्जिन से नंबर वन टीम थी। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह हमें स्टार दिखाई नहीं दे रहे, आप नेशनल टी20 टूर्नामेंट देख लें, इन्हीं खिलाड़ियों को 10-12 साल से देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, नया खिलाड़ी तो बता दें कौन सा है। ओहदे आ रहे, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन आपने देखा होगा, ये ओहदा हमने इंडिया में भी देखा था, रवि शास्त्री को पहले डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन बनाया था, फिर वो इंडियन टीम के कोच बने थे। इसी तरह एंड्रयू स्ट्रॉस अभी भी जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन है, तो हम उन्हें देख के अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि हमारे अपने कल्चर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जाहिर है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, टीमों को टफ टाइम दे सकते हैं। इन विकेटों पर जहां पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मैचेज हो रहे हैं, तजुर्बाकार खिलाड़ियों की टॉप टीमें टी20 में तो 230-240 रन बना रही है, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर हमारा मिडिल ऑर्डर यही रहा तो। बिल्कुल, अच्छा अगर हम मिडिल ऑर्डर के जिसमें आपने बात की, हम नेशनल टी20 की बात कर लें, तो इसमें भी हम देखते हैं कि कोई मैचेस जो है वो मयारी नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसी ही तैयारी रही, ऐसी ही टीम रही, तो हम टी20 वर्ल्ड कप में तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तैयारी नहीं हो रहे, वो नजर नहीं आ रही, जो एक एंटरटेनमेंट, जो एक मुकाबला, रस्सा कशी बिल्कुल नजर नहीं आ रही, और जस्ट दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन, जिसे कहना चाहिए। तो आपकी बात सही है, सनसनीखेज मुकाबले हो, जरा एक्साइटमेंट हो, तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें, ये फैक्टर भी जो है ना खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो। आप भारत में 5 स्पिनर्स तो रखे हैं, अब आप क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं? पावर की कप्तानी में कुछ फर्क आया, कुछ बेहतर होती हुई आपको नजर आ रही है कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतर हो रही है? दूसरी ऑप्शन हमारे पास तो रिजवान नजर आ रहे हैं, या कोई और ऑप्शन है? बिल्कुल आपने सही कहा, दूसरा ऑप्शन रिजवान है, लेकिन बाबर को इंप्रूव करना होगी, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन करंट क्रिकेट टुडे, लेकिन उनकी कप्तानी में वो बात नजर नहीं, बोलना जिस तरीके से कप्तान होता है कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंस नजर तो नहीं आता बाबर आजम में, तो उन्हें बहुत सारी चीजें इंप्रूव करना होगी। मैंने तो सुना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए ट्यूटर रखा है, जो उनको इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, जो उनकी ग्रूमिंग भी कर रहा है, अल्लाह करे तो जल्दी ग्रूम हो जाए। पाकिस्तानी को सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है, आईपीएल है और आईपीएल में उनको खिलाया नहीं जाता, लेकिन कुछ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर है जो रिटायर हो चुके हैं और उनकी दुकानदारी, उनकी दाल रोटी, उनका घर का खर्चा यूट्यूब के वीडियो बना बना के चलता है, तो वो कुछ अपनी राय देते हैं और राय सुननी चाहिए। देखो क्रिकेट के अंदर वो एक एक्स क्रिकेटर बन चुके हैं, तो उनका अनुभव होता है, उनको समझ अच्छी होती है। ऐसे सलमान भट्ट है, जिन्होंने अपनी जवानी के अंदर ही ऐसा कांड किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो सब जानते ही हैं, सबको पता है। तो अभी चल रहा आईपीएल, आईपीएल में हमारे
हमारे जो अभी गायकवाड जी खेल रहे चेन्नई की सुपर किंग की तरफ से और शिवम दुबे ने जो बैटिंग की राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, तो सबका दिल जीत लिया। तो ये पाकिस्तानी का दिल कैसे नहीं जीत पाते, क्योंकि क्रिकेटर है, प्रो क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेटरों की कोई बाउंड्री सीमा नहीं होती है, तो तहे दिल से तारीफ करते हैं और बताते हैं कि अपने पाकिस्तान को आईना दिखाते ही है कि देखो आईपीएल में इंडिया के पास क्या प्लेयर है। तो आप मजा लीजिए, भाई फिर मिलेगा आगे। गायकवाड़ है, उसके पहले 50 रन 43 बॉलों में थे और अगले 50 रन उसके 17 बॉलों में थे। आप ये लॉन्च देखें ना कि पहला 50 43 बाद अगले 17 बॉलों में 50, तो ये 300 प्लस माइनस स्ट्राइक रेट बनता है ये। सो बहुत आउटस्टैंडिंग कन्वर्जन है। और अगेन ओपनिंग बैट्समैन सीएसके के, मैंने आपसे बात पहले भी की है कि ये छाए हुए हैं, ये ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं कि सीएसके को ज्यादातर मैचेस में ले आते हैं। लेकिन आज जो राजस्थान रॉयल्स ने चेस कर दिया, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी एज अ टीम, देखिए उनके किसी एक प्लेयर ने कोई आउटस्टैंडिंग इनिंग नहीं खेली, उन्होंने सारों ने अपना पार्ट प्ले की। उसके बाद विक्रम दुबे ने आके जो इनिंग खेली है, शिवम दुबे ने 64 रन की जो इनिंग खेली है, उसने 42 गेंदों में नॉट आउट मैच फिनिश किया है। ये एक और क्वालिटी है कि आप किस तरह मैच फिनिश करते हैं, हाउ गुड यू आर जब चेस में आप पे प्रेशर होता है, आपकी विकेट गिरी होती है, एक दो सेट प्लेयर आउट हो जाते हैं, लेकिन आखिर तक उसने जो है वो कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि उसने मैच किसी और पे डाला, वो सारा अपने पे रख के फिनिश किया है। जो मेंटल और टेक्निकल डेवलपमेंट है, जो गेम अवेयरनेस है कि बॉलिंग अच्छी हो रही है, अगर फंसा हुआ हूं तो मेंटली वो एब्जॉर्ब करता है उस प्रेशर को। देखिए बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जब बॉल अच्छे होते हैं ना, 3-4 या एक ओवर में बाउंड्री नहीं मिलती, तो वो फिर गलत शॉट, वो चांस लेते हैं, रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। आज गायकवाड़ ऐसा प्लेयर है, ये करेक्ट खेलता रहता है, नीट खेलता रहता है, बॉल मिल जाए तो पूरा फायदा उठाता है, ना मिले तो प्रेशर में नहीं आता, लेकिन जब वो सेट हो जाता है तो उन्हीं शॉट्स को वो एक्सटेंड करने लग जाता है, यानी कि जो वो नीचे खेल रहा होता है उन्हीं को ऊपर मारने लग जाता है। और इतनी नफासत के साथ वो, ये स्मूथ ऑपरेटर उसे कहना चाहिए, कि वो पता नहीं लगता कि हो क्या रहा है टीम के साथ। तो इसकी जो स्पेशलिटी है विद द रेस्ट ऑफ द यंगस्टर्स जो आजकल मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 जिसे मॉडर्न क्रिकेट कहा जाता है, ये उनमें जरा ओल्ड स्कूल है। ओल्ड स्कूल इसलिए है कि इसकी गेम बड़ी साफ सुथरी है। और अच्छा, लोग स्ट्राइक रेट की बातें करते हैं, लेकिन इसका जो ऑपरेट करने का तरीका है, स्ट्राइक रेट इसका भी बेहतरीन है, 60-70 के स्ट्राइक रेट से खेला है। लेकिन इसकी शॉट्स में जो कह लें कि रिस्क फैक्टर बड़ा कम है, वो ऐसे ही शॉट्स नहीं मारता जिसमें हाई परसेंटेज चांसेस हो आउट होने के। सो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है किसी बैट्समैन की, वो ये टेम्परमेंट होना इन T20 गेम, कि जहां पे अच्छे बॉल हो रहे हैं आप सिंगल कर लो, और जब फिर आपका लॉन्च का टाइम आए तो आप पूरी आपके पास शॉट है लॉन्च करने के लिए। सो आई थिंक पाकिस्तान में एक रिपोर्टर है, उसका नाम है मैं हूँ डॉक्टर फजा अकबर खान, और मैं हूँ पाकिस्तान, जिसको प्यार से फिजा खलीफा भी कहा जाता है। तो जब इंग्लैंड टूर कैंसिल किया था तो ये केस भड़की थी, तो आप थोड़ा सा आनंद लीजिए, छोटी सी क्लिप है लेकिन आनंद जरूर लीजिए। कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब आप देखें, जब बरतानवी खिलाड़ी IPL खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि IPL के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देते हैं? और बरतानवी सहाफ़ी, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने IPL खेलने की खातिर भारत को खुश किया है। और वैसे भी अगर भारत को नाराज़ कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोज़गार छीन जाना था, बेचारे डॉलर कहाँ से कमाते अगर ये IPL के अगले सीजन से महरूम हो जाते, ये पूरी कहानी। इसीलिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने और उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी, इखलाकियात उसूलों की धज्जियाँ उड़ा दी। अब ये PCB को कैसे अमीर बोर्ड बनाया जाए, क्या फार्मूला अपनाया जाए कि पाकिस्तान की क्रिकेट ग्रोथ करे, पाकिस्तान क्रिकेट में पैसा आए, भूखे नंगे PCB बोर्ड के अंदर, तो जरा शोएब अख्तर साहब की ये मंत्रणा भी सुनिए आप। क्या साउथ अफ्रीका आइसोलेशन में नहीं रहा 30 साल? सर उन्होंने कैसे डेवलप की अपनी गेम उस आइसोलेशन में? और दूसरा, क्या हाफ आइसोलेशन में नहीं थे 10-15 साल? क्या हो गया, हमारे रिजर्व नीचे आ गए? 6 करोड़ की आबादी है ऑस्ट्रेलिया की, उसके क्रिकेटिंग राइट्स पाकिस्तान से 10 times मोर देन सेलिंग पॉइंट पे, क्योंकि स्टार बेस 24-25 करोड़ की आवाम, जो 6th largest पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, अपने राइट नहीं सही बैठ सकते? एक चीज, क्या एंटिटी बिल्ड नहीं कर सकते हो? 4 PSL की नई टीमें नहीं आ सकती? हमें
देखें इस सारे बुरे टाइम हमें एक सायर ऑफ होप भी मिली है, हमें घर सीधा करना है, हमें अपना प्लेटफॉर्म सीधा करना है, हमें अब 10 बिलियन से 100 बिलियन पे कैसे पहुंचना है। ये वो टाइम्स है जहाँ पे आप खड़े होते हैं, जहाँ पे आप घबराते नहीं, डरते नहीं है आप। गुस्सा है, मुझे गुस्सा है सिर्फ इस चीज का, मुझे पता था इंग्लैंड नहीं आना, मुझे गुस्सा सिर्फ इस चीज का यार कि इमेज ऑफ पाकिस्तान भी तुम्हारी नजर में कुछ है कि नहीं है। यार देखिए मैं ऑनेस्टली मेरे दिल में ना इंडिया के लिए नफरत नहीं है, ऑनेस्टली मैं सच बता रहा हूँ, पर मैं हिंदुस्तान से नफरत नहीं कर सकता। मेरा 80-90% फॉलोअर इंडिया से आता है, मैं इसलिए नहीं करता। अब विराट कोहली की 70 सेंचुरी है, क्या कहोगे इसके बारे में? जाहिर जितनी उतनी आएंगी उसी तारीफ भी बनेगी, क्या करेंगे, मास्टर बैट्समैन है। क्या बोलूं मैं उसके बारे में, मैं क्या कहूँ, विराट कोहली अच्छा बैट्समैन नहीं, बुरा खेलता, बुमराह अच्छा बॉलर नहीं, फिटनेस नहीं करता अपने, क्या रोल मॉडल अच्छा नहीं है, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, गालियाँ दूँ उसको मैं। इन पाकिस्तानी को जला भुना और इसे तड़पता मचलता देखने का आनंद ही है भैया, कुछ और ही है, लेबल ही अलग है उस, मैं सच बता रहा हूँ, ये मतलब कोई नशे के बराबर काम करता है, इतना आनंद आता है। और कमेंट करना तो बिल्कुल लाजमी लाजमी है, कमेंट करना रहेगा, शेयर कर दो, और आपका भाई का ब्लॉग चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है, चाहो तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में कर लो। और आपका भाई ऐसे पाकिस्तान मीडिया से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता है, अच्छे अच्छे रोस्ट वीडियो भी बनाता रहता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।